everybody, मैं तानिया। आज मैं आप सभी को प्रेपोजिशन के बारे में सिखाऊंगी। पर उससे पहले एक बात पता है क्या? ग्रामर हम सबको बोरिंग लगता है, क्योंकि ग्रामर के जो रूल्स है ना, हम उनके पीछे रेस लगाते हैं। इसी कारण से ग्रामर में हमें कभी नींद आती है या हमें उसमें से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, बट वॉट इफ हम ग्रामर को सब्जेक्ट ना समझ के लैंग्वेज की तरह पढ़ें तो आई थिंक इट कैन वर्क। परहैप्स ग्रामर हम अपने डे टू डे के डीलिंग में यूज ही करते हैं, जैसे कि आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आप सभी से बात कर रही हूँ। किसी ने आपसे पूछा बुक किधर है, आपने कहा द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक डेफिनेट नाउन ऑन प्रेपोजिशन, तो हुआ ना ग्रामर का यूज डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ग्रामर। बट हाँ, एक भारी पहाड़ समझ के नहीं, बल्कि लैंग्वेज समझ के थरली इंजॉय करके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के बारे में। पर प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ने से पहले जरूरी ये है कि हम ये जाने कि एक्चुअली में प्रेपोजिशन होता क्या है। चलिए जानते हैं। प्रेपोजिशन वह शब्द या शब्दों का समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है। प्रेपोजिशन को हिंदी में हम संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। चलिए जानते हैं कि प्रेपोजिशन इंग्लिश में कैसे होता है। अ प्रेपोजिशन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड द अदर वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इन दिस स्लाइड। द बॉक्स इज अंडर द टेबल, वेयर अंडर इज द प्रेपोजिशन। नाउ कमिंग बैक टू द प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन सिर्फ टू ही नहीं होता है, बहुत सारे हैं, जैसे कि टू, टूवर्ड्स, फॉर, अलोंग, अगेंस्ट, अक्रॉस, अप, डाउन, इनटू। आज हम शुरू करेंगे प्रेपोजिशन टू के यूसेज के साथ। इंग्लिश ग्रामर में कोई भी टॉपिक समझने से पहले जरूरी ये होता है कि हम उसके सारे फैक्ट्स को, उसके सारे तथ्य को अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ सरलता से समझें। लेट्स स्टार्ट। टू का यूज प्लेस और डायरेक्शन बताने के लिए भी किया जाता है, यानी कि जगह और दिशा। आई एम गोइंग टू द ऑफिस, मैं ऑफिस जा रही हूं। यहां पे ऑफिस प्लेस है, वो बता रहा है कि पर्टिकुलर इंसान ऑफिस जा रहा है, एक रिलेशन बता रहा है। आई वॉन्ट टू गो होम, मैं घर जाना चाहती हूं। होम क्या है? प्लेस है। चलिए दूसरा देखते हैं। टाइम एंड ड्यूरेशन, टू की मदद से हमें किसी के समय या अवधि के बारे में भी पता चलता है। जैसे कि किसी ने आपसे पूछा कि घड़ी में कितने बज रहे हैं, आपने कहा इट्स 4:45, यानी कि अभी 4:45 हो रहे हैं। दूसरे में, माई ऑफिस आवर आर 9 to 5, किसी ने आपसे पूछा कि आपके ऑफिस का टाइम, आपके ऑफिस की अवधि कितना है, आपने कहा 9 to 5, मैं 9 to 5 ऑफिस में रहता हूं। तो हुआ ना समय का यूसेज यहां पे। थर्ड वन है डिस्टेंस, यानी कि दूरी। इट्स अबाउट 3.5 किलोमीटर फ्रॉम माय हाउस टू द स्कूल। जैसे कि किसी ने आपसे पूछा कि आपके घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस कितना है, आपने कहा 3.5 किलोमीटर मेरे घर से स्कूल की दूरी है। तो टू से यहां द स्कूल और माय हाउस के बीच का डिस्टेंस पता चला।
It's about 1400 किलोमीटर from मुंबई to दिल्ली. किसी ने पूछा कि मुंबई और दिल्ली के बीच का डिस्टेंस कितना है? आपने कहा 1400 किलोमीटर. किसकी मदद से? टू की मदद से. ऐसे ही और भी कुछ प्रेपोजिशंस टूज के यूसेज हैं, जैसे कि कंपेयर. कंपेयर यानी कि तुलना. चलिए उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. आई प्रेफर चाइनीज क्विजीन टू इटालियन. तुलना होता क्या है? कंपेयर करना. जैसे कि इस एग्जाम्पल्स के अलावा अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूं, आई प्रेफर प्लेइंग पबजी टू लूडो. कम ऑन, इट्स अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल. एट होम्स लॉकडाउन के टाइम पे आप सब यही कर रहे हो. कुछ ऑनलाइन पबजी खेल रहे हैं तो कुछ ऑनलाइन लूडो खेल रहे हैं. तो कुछ को पबजी पसंद है और कुछ को लूडो. वैसे ही यहां पे भी हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे, आई प्रेफर चाइनीज क्विजीन टू इटालियन. मुझे चाइनीज खाने से ज्यादा अच्छा लगता है इटालियन खाना. तो टू के यूसेज से हम कंपेयर भी कर सकते हैं. आई प्रेफर वर्किंग टू स्लीपिंग. मुझे सोने से ज्यादा अच्छा काम करना लगता है. बहुत कम लोगों को, बहुत से लोगों को तो सोना ही अच्छा लगता है. अभी तो लोग सो ही रहे हैं घर पे. अब हम टू के यूसेज से रिलेशन यानी कि संबंध के बारे में भी जान सकते हैं. कैसे? दिस इंग्रेडिएंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू योर रेसिपी. हिंदी में अगर हम कहें तो ये सामग्री आप जो रेसिपी बना रहे हो, जो डिश बना रहे हो, उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है. इसका संबंध, इसका रिलेशन किससे पता चल रहा है? टू से. माय आंसर टू योर क्वेश्चन इज इन योर बॉक्स. मेरा जवाब तुम्हारे क्वेश्चन का इस बक्से में है. अब है डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन सीमा या अंत. यानी कि टू के मदद से हमें पता चलेगा कि किस सीमा या उस इस किसी सेंटेंस के अंत के बारे में. लेट्स सी हाउ. ही क्लाइम अप टू द रूफ. वो छत पे चढ़ गया. द स्टॉक प्राइसेस रोज अप टू 50 रुपीज. स्टॉक का प्राइस, स्टॉक का भाव कितना बढ़ गया? 50 रुपए बढ़ गया. तो हम किसके कारण? टू के कारण हम रिलेशन या डेस्टिनेशन या सीमा या अंत बता पा रहे हैं. सेवेंथ वन देखिए क्या है. इंडिकेट. इंडिकेट यानी कि संकेत करना. हम किसी इंसान को, वी कैन इंडिकेट अ पर्सन, किसी इंसान को संकेत दे सकते हैं. चलिए देखते हैं कैसे. प्लीज हैंड ओवर दिस टू मिस्टर गुप्ता. प्लीज आप इस पर्टिकुलर सामान को मिस्टर गुप्ता को दे दीजिएगा. तो यहां पे मिस्टर गुप्ता इंडिकेट हुए, उन पे संकेत गया. गिव इट बैक टू मी. ये मेरा है, ये मुझे दे दो. संबंध मी से इंडिकेट हुआ. इट बिलोंग्स टू मी. ये मेरा ही था, ये मेरा ही था. इट बिलोंग्स टू मी. टू से हमें इंडिकेशन मिला. ऐसे ही टू के बहुत सारे यूसेज जो थे हमने पढ़ लिए. सो गाइस, अगर आपको ये सेशन पसंद आया है और आपको क्वेश्चंस के रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. थैंक यू.